गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। जल्दी से बताइए जरा, आवाज़ आ रही है? वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ रही है? ठीक है, चलिए। ओके, वेरी गुड। एक्चुअली पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई आज, मतलब क्लास ही वाली स्टार्ट करनी थी, हो गई आपकी रात के 9:30 वाली। अब उसका इवेंट का देखना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा वो, ठीक है? तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो फिलहाल आपका राजस्थान जेई का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, जिसमें चीटिंग हुई थी। तो एक मौका आप लोगों को दूसरा और मिल रहा है, और मेरे ख्याल से अटेम्प्ट सबको मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कोरोना की वजह से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। और अब एग्ज़ाम का लेवल भी आप लोगों ने देख लिया था, तैयारी भी अच्छी होगी। इधर यूपीपीएससी एई में भी उस समय एक अजीब सी कसमोकश थी कि राजस्थान जेई दें या यूपीपीएससी एई दें। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका ख़राब हो गया था, उनके पास दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी है। और इस बार जहाँ तक है सब कुछ फेयर रहेगा, तो राजस्थान जेई के लिए आप लोग दोबारा लग जाइएगा। हम भी देखेंगे क्या उसके लिए कर सकते हैं आप लोगों के लिए, अगर समय मिल पाया तो, ठीक है। फिलहाल अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और एक बार ज़रा लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी बच्चे परेशान होंगे इस वजह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपना ये वाला सेशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। सौरभ जी, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है सहवाज जी, कौन से ए एन जे वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे? चलो यार, ए जे वाले क्वेश्चन तो बहुत करवा रखे हैं ना, मैराथन क्लासेस ली थी यूपीपीएससी के लिए, बहुत करवाए थे। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब राजस्थान जेई के लिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि हमारी जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं जो यूपीपीएससी एई के लिए करवाई थी, आप उन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें। उसमें थ्योरी भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो जाएगी, और क्वेश्चंस भी वहाँ पर हमने खूब करवा रखे हैं, ठीक है। अब कब होगा ये तो नहीं पता, समय तो उसमें लगेगा, कोई भी एग्ज़ाम रीशेड्यूल होता है तो उसमें समय लगता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दोबारा से सारी चीज़ें करने में 1-2 महीने का समय तो लगेगा, बट आप लोग 1 महीने का मानकर चलो, 1 मंथ, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना। सौरभ राजपूत जी, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पुराने लेक्चर्स हमारे देखिए उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आया है एक संजीव यादव जी का, संजीव यादव जी का आंसर आ रहा है 2। बाकी लोग भी करें जरा भाई इस क्वेश्चन को। शिवम जी का आंसर आ रहा है 1। ओके, और बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सवाल समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है। तो पहले क्या था यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर क्या था, इस तरीके से सॉइल थी, इस तरह से ये पूरे में क्या थी, सॉइल थी,
यहाँ पूरे में सॉइल थी सब में, ठीक है, ये यहाँ पर सॉइल थी, और यहाँ पर कोई रिवर है, ये पानी भरा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या किया, कुछ एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया, और एक्सकेवेशन करते करते क्या हो गया, इतनी जगह से मिट्टी जो है वो निकाल दी। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता, जब यहाँ तक सॉइल थी, जब सॉइल आपके पास यहाँ तक भरी हुई थी, तो यहाँ पर इस जगह पर इसके ऊपर की जितनी भी सॉइल थी उसकी वजह से कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस रहती सिग्मा बार, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाटर लेवल की वजह से यहाँ पर सीपेज होती, तो माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू से इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ डिक्रीज करती, बट क्योंकि यहाँ तक सॉइल थी तो क्विक सैंड कंडीशन होने वाली नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ से एक्सकेवेशन करता जाऊँगा, एक्सकेवेशन कर, यार आप ये समझो ना, जब हम लोग अर्थ की सरफेस पर हैं तो अर्थ के अंदर तो वाटर है, लेकिन क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा डेप्थ पर है। जब बहुत ज़्यादा डेप्थ पर वाटर होता है तो सॉइल अपने वेट की वजह से क्या होती है, स्टेबल होती है, क्या होती है, स्टेबल होती है। बट जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाएगी, आप पानी के क्लोज पहुंचते जाएंगे और इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम आएगा कि आपने इतना एक्सकेवेशन कर दिया कि अब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो सीधे क्या करेगा, यहाँ पर ये एक मार्सी लैंड जैसा बन जाएगा, क्विक कंडीशन हो जाएगी और ये शियर स्ट्रेंथ होगी जीरो, और पता चला फिर आप क्या करेंगे, इसमें सिंक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू मेक एन एक्सकेवेशन एज शोन इन द फिगर। ये हाईली पोरस सैंड है, तो यहाँ से सीपेज जो है वो इस साइड में सीपेज जो है वो इस तरीके से होने लगेगी। कह रहा द वाटर लेवल इन द एडजेसेंट रिवर इज एट एन एलिवेशन ऑफ +20 मीटर। तो अगर ये जीरो है तो यहाँ से +20 पर ये एलिवेशन है। यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको 10 दे रखा है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप टू डेसिमल प्लेसेस अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग फॉर द प्रपोज्ड एक्सकवेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, किले जो है वो आपके पास, किले लेयर जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, तो वाटर जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा। तो हेड लॉस कितने का हो रहा है, किले लेयर कहाँ तक है, 10 तक, और एलिवेशन है कहाँ तक, 20 तक। तो जो हेड लॉस है वो कितने का है, 20 - 10 इज इक्वल्स टू 10 का है। और ये हेड लॉस कितनी डिस्टेंस में हो रहा है, तो 10 मीटर में ही हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 10/10 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। विपिन जी 2.59 नहीं है आंसर, 2.59 नहीं है आंसर, ठीक है। ओबीसी 113 नंबर तैयारी करो, और यार ये सब आते हैं ना क्लास के एंड में पूछा करो बेटा, फिर सारा रिदम खराब हो जाता है ना, फिर बीच बीच में उन सब डाउट्स को लेने से जो क्वेश्चन है उसका फोकस हट जाता है। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी आप मेंस की तैयारी करो, हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या, इस बात को समझिएगा। देखिए क्विक कंडीशन के लिए या बॉइलिंग के लिए सिग्मा बार क्या होना चाहिए, जीरो। बेटा सिग्मा बार को जीरो कौन कर रहा है, आई जेड गामा डब्ल्यू कर रहा है। देखो सिग्मा बार था कितना, गामा सबमर्ज इंटू जेड था, इसको कौन जीरो कर रहा है, ये सीपेज इसको जीरो कर रही है। तो ये जो सीपेज की वजह से जो फोर्स है या जो सीपेज प्रेशर है उसे हम क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। तो जब सीपेज प्रेशर को हम कम करना चाहेंगे तो हम उसे क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई जेड गामा डब्ल्यू हम कितना रखना चाहेंगे कि जब फेलियर होगी तो फेलियर के टाइम पर आई जेड गामा डब्ल्यू किसके बराबर होगा, गामा समर जेड के बराबर होगा। बट हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू, आई जेड गामा डब्ल्यू की वैल्यू कभी भी गामा समर जेड के बराबर ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई जेड गामा डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू गामा समर्ज इंटू जेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, गामा समर्ज इंटू जेड अपॉन आई जेड गामा डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज गामा समर्ज इंटू जेड, गामा समर्ज इंटू जेड, अब देखो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल गया, गामा समर्ज इंटू आई गामा डब्ल्यू, ठीक है, आई गामा डब्ल्यू। अब ध्यान दीजिएगा व्हाट इज गामा समर्ज, गामा समर्ज क्या होता है कि अगर हमारे पास, या चलिए गामा समर्ज भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए मैं अगर इसको अपनी तरफ से
मान लीजिए अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और वॉल्यूम से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और वी से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें क्या देगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस सॉइल का जो भी वेट होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि क्या, गामा सैचुरेटेड और इनटू इसका वॉल्यूम, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, बायोन्सी फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक है, तो बायोन्ट कंडीशन में इस समय जो इसका नेट वेट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बायोन्ट वेट भी बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड वी माइनस गामा डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इंटू वी। तो इसने गामा सबमर्ज इंटू वी को हम लोग बायोन्ट वेट भी बोल देते हैं, और आई गामा डब्ल्यू इंटू वी क्या होता था, सीपीएस फोर्स होता था। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला आपके पास ये भी बन गया, एक तो आप लोग ये पढ़ते ही हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। उसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला ये भी बन गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू बायोन्ट वेट अपॉन सीपीएस फोर्स। ठीक है, चलिए निर्मल जी अभी आपका, आपके सवाल का भी आंसर देते हैं, बस आप दो चार सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो अब सिंपल सा हो गया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, गामा सबमर्ज इंटू टेन अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू टेन, टेन से टेन कैंसिल हो गया, गामा सबमर्ज कितना होगा, 20 माइनस 10 होगा, 20 उसका क्या दे रखा है, यूनिट वेट, 20 दे रखा है यूनिट वेट, और पानी का यूनिट वेट आपको दे रखा है 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन 10 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा 1। अब सर हम, अब ये निर्मल जी का सवाल, बेटा सैंड जो है वो हाईली पोरस है, पोरस मीडिया में जब हाईली पोरस मीडिया होता है और इसमें जब वाटर जाता है तो हेड लॉस नहीं होता है, जो मेन हेड लॉस होगा वो किस में होगा, क्ले में होगा। इसके अंदर तो एक तरीके से क्या मान लेंगे, फ्री फ्लो मान लेंगे, फ्री फ्लो। आप ये सोचो, आप बाइक चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और ये पूरी खाली सड़क है। जब बेटा ये खाली सड़क है, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिधर जाना चाहो आप उधर जा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सड़क क्या है, खाली है, या इस पर इक्का दुक्का व्हीकल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो ये सड़क बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, जगह कम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार 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 ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और जब आप बार 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 ब्रेक लगाओगे, आप गाड़ी की स्पीड कम रखोगे, तो पेट्रोल क्या होगा, ज़्यादा फूकेगा, पेट्रोल यानी कि एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर होता है, जब हाईली परवियस सैंड होती है तो इसमें एक तरीके का फ्री फ्लो है, नो हेड लॉस। हेड लॉस कहाँ होगा, किले के अंदर होगा। ठीक है, किले के अंदर होगा, बात समझ में आ गई, तो इसलिए हेड लॉस इसमें मानेंगे। तो यहाँ पर ये 10 है, 20 है, ये 10 है, तो 20। दूसरी बात, वाटर यहाँ से भी जा सकता है, वाटर यहाँ से भी जा सकता है, वाटर तो कहीं से भी जा सकता है ना, तो यहाँ से तो जा ही रहा है, मान लीजिए अपर सरफेस से, और ये ऊपर को जाएगा इस तरह से, है ना, तो हेड लॉस कहाँ हो रहा है, पानी को कौन सा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये वाला, इतनी हाइट इसमें होगा। अभी क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है भाई, तो इस सवाल से हमने क्या सीखा, इस सवाल से हमने ये सीखा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट पढ़ते थे, बट ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बायोन्ट वेट अपॉन सीपीएस फोर्स के भी बराबर होता है, सीपीएस फोर्स के भी बराबर होता है, और बायोन्ट वेट क्या होता है हमारे पास, वो होता है गामा सबमर्ज इनटू जेड, और सीपीएस फोर्स हमारे पास क्या होता था, ये होता था आई जेड गामा डब्ल्यू, आई जेड गामा डब्ल्यू। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है, अ ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2,
एक बैल यहाँ पर है, ठीक है, वो वाला बैल नहीं है, सींगों वाला, कुएं वाला बैल है, और एक बैल भैया यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 100 मीटर, सेंटर टू सेंटर मान लो। द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल टू इज 3 मीटर बिलो दैट इन वेल वन। तो मान लो इसको मान लेते हैं वन और इसको मान लेते हैं टू, अब क्या कह रहा है कि यहां पर वाटर लेवल यहां है और इस वाले में वाटर लेवल यहां है, और इन दोनों के बीच का जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। ये वेल वन में वाटर लेवल है और ये वेल टू में है आपके पास, इसको सेकंड मान लो, सेकंड 3 मीटर। तो बेटा वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, वाटर का मूवमेंट ऑब्वियसली बात है वेल वन से वेल टू की तरफ होगा, इस तरह से इसका वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, ओके। अभी कह रहा है ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम वेल वन टू वेल टू, वेल वन से वेल टू तक जाने में ये 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने 100 डेज लग जाते हैं। तो टाइम आपको दे रखा है 100 डेज और डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर। पोरोसिटी आपको दे रखी है 15%, पोरोसिटी आपको दे रखी है 15%, और आपसे कोफिशेंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा है किसमें, मीटर पर डे में, मीटर पर डे में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, पूरा सवाल मैंने आपको समझा दिया। एक कुआं ये है, दूसरा कुआं ये है, इसमें पानी का लेवल दूसरे कुएं की अपेक्षा 3 मीटर हाई है और ये दोनों 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो कुएं वन में जो है वो पानी का लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कुएं टू से, तो पानी का मूवमेंट फर्स्ट से सेकेंड की तरफ होगा। तो इस पानी के अंदर अगर हम कुछ ऐसा ट्रेसर मिला दें जिससे मालूम चल जाए कि इसका पानी यहाँ से कब तक वहाँ पहुँचा है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने इसमें ट्रेसर मिलाया होगा वो भी पानी के साथ मूव करेगा, तो मालूम चला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 100 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 100 दिन लग जाते हैं, ठीक है भाई। जल्दी तो है कोई जो इसका आंसर कर सके, विपिन पटेल का आंसर आ रहा है डी, इनर पीस का आ रहा है सी, बाकी सब कहाँ है, जल्दी आंसर कीजिए। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। पांच आ रहा क्या सर? अरे मुझसे पूछ रहे हो या आप बताओगे? आप बताओ ना भैया, हमसे थोड़ा ना पूछ रहे हो, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं, हम तो सॉल्व करके दे ही देंगे, और आ भी रहा है तो कॉन्फिडेंस रखिए। 100/100 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर डे मोस्ट प्रोबेबली, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर 100 मीटर डिस्टेंस चलने में टाइम दे रखा है तो सिंपल सी बात है आपको वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर डे, 1 मीटर पर डे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 1 मीटर पर डे। अब आप ये सोचो वेलोसिटी और के में क्या रिलेशन होता है, सर वी बराबर होता है के आई। बेटा वेलोसिटी मुझे पता है, के मुझे फाइंड आउट करना, अगर आई आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो यहां पर पानी का लेवल यहां है और यहां पानी का लेवल यहां है, तो हेड डिफरेंस कितने का, 3 मीटर। इस हेड डिफरेंस की वजह से ही तो फ्लो हो रहा है। देखो बेटा एक तो याद रखना, जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है, जो सॉइल है इसमें सॉलिड भी होता है और फ्लूड भी होता है। तो जब हम सॉइल पढ़ें तो दिमाग में सोम और फ्लूड, सोम और एफएम दोनों के कॉन्सेप्ट रहने चाहिए, सोम और एफएम दोनों के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो पाइप फ्लो में हमने क्या पढ़ा था,
यहां पर कुछ हेड होता था, यहां पर कुछ हेड होता था, कुछ हेड लॉस होता था, और उसको क्या लगाते थे, एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GDT। ये सब हमने FM में पढ़ा है ना भैया। तो वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर डे इज इक्वल्स टू के इन टू, हेड लॉस कितने का है, 3 का, और ये हेड लॉस कितनी डिस्टेंस में जाके आपका हो रहा है, 100 में जाके हो रहा है। लेकिन एक बात और यहां पर कर लीजिएगा आप लोग, एक बात और बता दें कि जब हम लोग वी बराबर के आई लगाते हैं तो यहां पर ये वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती है, फिलो वेलोसिटी होती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, ये तो आपकी क्या आ गई, ठीक है, ये आपकी आ गई एक्चुअल वेलोसिटी बेसिकली। अब आपको, क्योंकि एक्चुअल में 100 मीटर चलने में 100 दिन का समय लग रहा है ना, तो जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी, तो हम लोग क्या जानते थे कि बेसिकली सीपेज वेलोसिटी है, तो सीपेज वेलोसिटी होती थी डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। तो इसका मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या रहेगा, पोरोसिटी इंटू सीपेज वेलोसिटी, है ना। तो ये रहेगा 1 × 0.15, यानी कि 0.15, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियस सी बात है, वो इसने दिया हुआ है हमें सवाल में, तो 0.15, ठीक है भैया। अब आप क्या लगा देंगे, अब आप लगा देंगे वी इज इक्वल्स टू के आई, तो वेलोसिटी कितना है, 0.15 इज इक्वल्स टू के, हमें फाइंड आउट करना है आई कितना है, 3 मीटर का लॉस हो रहा है 100 में, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 15/3, यानी कि 5 मीटर पर डे, 5 मीटर पर डे, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर हम लोग लिखते v इज इक्वल्स टू के आई, ऐसे ही लगा देते के सीपेज इन टू आई, तो मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी 1 आया था, तो 1 इज इक्वल्स टू के एस इन टू 3/100 कर देते, तो यहां से जो k की वैल्यू आती वो आती 100/3। अब क्या 100/3 ऑप्शन में है, 100/3 ऑप्शन में है, नहीं है। तो अब आप क्या देखते हैं कि पोरोसिटी का रोल क्या है, तो क्योंकि भैया ये सीपेज कोफिशियंट है, मतलब कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन है, सीपेज कोफिशियंट कहना गलत है क्योंकि अभी आपने यूपीपीएससी में आंसर देखा था, कोफिशियंट ऑफ परकोलेशन है 100/3। तो इसको हमें अगर कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पोरोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना था, सिंपल सी बात है, v बराबर के आई निकालना था, ठीक है, v इज इक्वल्स टू के आई निकालना था। v हमें जो v दे रखा है एक्चुअल में, उसके लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। i के लिए हेड लॉस दिया हुआ है हमें और लेंथ दी हुई है। बस एक कॉन्सेप्ट और लगना था कि हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, लेकिन ये जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी आएगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीपेज अकरिंग थ्रू एन अर्थन डैम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ फिलोनेट। एक फिलोनेट आपको दिखा रखा है, ठीक है, या बता रखा है। तो फिलोनेट में कह रहा है 10 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, तो एन डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10, एंड 20 फ्लो चैनल्स, एन एफ कितना दे रखा है हमें, 20। द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज, हमें के दे रखा है 3 mm per minute, सॉरी 3 mm per minute हमें ये दे रखा है, एंड द हेड लॉस दे रखा है 5 मीटर। द रेट ऑफ सीप इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम थ्रू द अर्थन डैम इज, ठीक है, तो आपसे स्मॉल क्यू पूछा है, तो आंसर निकालने में कुछ नहीं है, केवल क्या है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, केवल क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो फटाफट खींचे,
कर देंगे भाई इसको आंसर सभी। तो देखिएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था, के एच एन एफ अपॉन एन डी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना क्या करना है आपने। चलो आंसर आप ही करो, आप ही करो। शिवम का आंसर 5 आ रहा है, सम्यक का आंसर 5 आ रहा है। अब शिवम जी ने अपना आंसर चेंज कर दिया, 500 कर दिया। बेटा यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर दे रखा है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करें यार, एक ही बच्चा के, दो ही बच्चे के आंसर कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। चलिए तो देखिए भैया, केक पहले तो क्या कर लो, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालो, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करेंगे, केक की वैल्यू कितनी है, 3 mm। तो ये करेगा 3 × 10^-3। अब ये पर मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेड हमें कितना दे रखा है, 5 m, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन एफ हमें दे रखा है 20 और ड्रॉप दे रखा है आपके पास 10, यही तो हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 20 × 60 याद आएगा, 5 × 10^-2 m³ पर सेकंड पर मीटर, ये आपके पास आंसर आएगा। नहीं, 10^4 ओके, 4 होगा, 4 होगा, 4 10^-4। ठीक है भाई, ये चला जाएगा 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10^-4 होगा, 5 ही आया। ठीक है, अब 1 m³ में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 10^6 होंगे। कितने होंगे, 10^6 होंगे। तो इसे आप 10^6, एक कैलकुलेशन कल भी की थी कि 1 m³ में, 1 m³ में कितना होता है आपके पास, 1000 L होता है। कितना होता है, 1000 L। ठीक है, यानी कि 10^3, और 1 L में कितने ml होते हैं, 10^3 ml होते हैं। तो 1 m³ में 10^6 ml होते हैं 1 m³ में, और 1 ml जो होता है, 1 ml जो होता है वो 1 cc यानी कि 1 cm³ के बराबर होता है। तो 1 m³ इज इक्वल टू 10^6 cm³। तो इसको आप 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो, एग्जाम में कई बार यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, अच्छा खासा आता हुआ सवाल हमारा गलत हो जाता है, केवल किसकी वजह से, यूनिट में सही तरीके से कन्वर्ट ना कर पाने की वजह से। ठीक है, तो आंसर इज 500 cm³ पर सेकंड पर मीटर। जी वेरी गुड, अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। सवाल पढ़ो समझो और करो, सवाल पढ़ो समझो और करो। और बेटा जितने स्टूडेंट इस समय लाइव हैं, 50+ स्टूडेंट इस समय लाइव हैं, और मैं आपको केवल यही बात बोलूंगा, अगर आप अभी ये 50 के ग्रुप में आप कॉम्पीट नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो आप लाखों की भीड़ में कैसे कॉम्पीट करोगे। ठीक है, तो कम से कम यहां पर एक होल रहनी चाहिए कि अगर हम 50 का ग्रुप है, 50 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आंसर करे। यहीं पर एक कंपटीशन की फीलिंग लेकर आओ, थोड़ा सा स्पीड से चीजों को करने की कोशिश करो, शुरू में गलतियां हो सकती हैं, हो जाने दो। ठीक है, बट यहीं पर एक दूसरे से कॉम्पीट करो, और यहाँ काफी बच्चे बच्चे हैं जो आंसर करते हैं फटाफट, तो आप भी सोचिए कि हमें हमें भी करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की फीलिंग लाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं।
0.5 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। चलिए एक बच्चे का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब पता है ये सवाल है कुछ नहीं, ये सवाल कुछ कुछ ऐसा था जैसे मान लो हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस हैं और इनको हमने क्या किया पैरेलल में लगाया, और यहां पर ये कुछ बैटरी होती थी और ये रेजिस्टेंस होता था R1 R2 R3, और हमसे पूछा जाता था कि बताओ बेटा करंट कितना मिलेगा। या ऐसा हो सकता था कि तीन रेजिस्टेंस जो होते थे हमसे सीरीज में लगे होते थे और यहाँ पर एक बैटरी होती थी, ठीक है, ये R1 R2 R3 और यहाँ पर वोल्टेज। अब हमें मालूम था कि V बराबर क्या होता है IR, तो मुझे अगर करंट निकालना है तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर पैरेलल में है तो यहाँ पर पैरेलल वाला फंडा लगाकर याद आ रहा है ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों ही प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते थे कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते थे, ये पोटेंशियल मालूम होता था और V बराबर IR, तो हमें क्या मालूम चल जाता कि कितना करंट टोटल फ्लो कर रहा है वो मालूम चल जाता था, ऐसे ही करते थे। तो बेटा जो डार्सीज लॉ है V बराबर KI, ये भी तो सेम चीज उसी फॉर्म में है, बस वहां पर V बराबर IR है, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो यहां पर क्या होगा कि ये तीन सॉइल हैं, अब जितना डिस्चार्ज यहां जाएगा उतना ही डिस्चार्ज यहां जाएगा और उतना ही डिस्चार्ज यहां जाएगा, तो चाहे वो यहां पूछे यहां 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 कहीं पर भी पूछे डिस्चार्ज विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है डिस्चार्ज। अब क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज होता था KIA, अब आई क्या है, तो भैया इधर हेड कितने पर है 15 मीटर पर, इधर कितने पर है 10 मीटर पर, तो हेड लॉस कितने का हो रहा हैड लॉस हमारा हो रहा है 5 मीटर, 15 में से 10 गया 5 मीटर का। ये हेड लॉस कितनी लेंथ में हो रहा है, तो 20 और 10 30 और 20 50 और 10 60, कितने में हो रहा है हेड लॉस 60 में हो रहा है, तो 60 मीटर में हेड लॉस हो रहा है। तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई, एच अपॉन एल से आई की वैल्यू आ गई। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए क्या करना है आपको, बेसिकली उसने ये दे रखा है कि जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है वो इस वाले फेस से कर रहा है, मतलब इधर से एंटर कर रहा है इस तरीके से और इस वाले फेस से इससे कर रहा है। अब हमें क्या दे रखा है कि जो इनसाइड लेंथ है वो 1 मीटर है और ये जो हाइट है ये मुझे कितनी दे रखी है 3 मीटर, तो बेटा ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये कितना होगा 3 × 1 होगा, ये वाला एरिया ये क्या होगा 3 × 1। देख लो जब यहां से जाएगा तो ये मेरे को क्या है केवल फ्रंट फेस ही तो दिखाई देगा, ये वाला ये दिखाई देगा, इसकी लेंथ तो कहां है अंदर की ओर है, लेंथ तो कहां है अंदर की ओर है ये वाली, तो लेंथ कितनी मान लेंगे 1 मीटर, क्योंकि पर मीटर निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास 3 × 1। अब सारी वैल्यूज रख दो यार, ठीक है, तो क्यू हमें फाइंड आउट करना है, आई मुझे मालूम है, एरिया मुझे मालूम है, लेकिन के कौन सी वैल्यू रखेंगे, यहां पर K1 K2 K3 अलग अलग है, तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट, क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन हमने किया था जब सीरीज में सॉइल होती है तो वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब सीरीज में सॉइल होती है तो क्या करते हैं वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए फटाफट यहां पर, तो हम लोग पहले के इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला वर्टिकल वाला, ठीक है, और वो क्या होता था हमारे पास सिग्मा एच अपॉन के इजिकल्स टू H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3, ठीक है, तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा यहां से, के इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 2। अब क्यू बराबर KI लगा दो यार, ठीक है, के इक्विवेलेंट 2, आई 5/60 और एरिया कितना 3 × 1 रख देंगे, क्यू की वैल्यू 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, बिल्कुल। कोई समस्या किसी को यहां तक, जल्दी बताइए। ये रिया चक्रवर्ती गई, उनके भाई आ गए राणा चक्रवर्ती। हाँ
भैया आर आर सर डिस्चार्ज विल बी सेम थ्रू आउट सो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ आई वी कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ के एंड यूजिंग क्यू। बेटा एनी वैल्यू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेड लॉस हो रहा है, ये जो हेड लॉस हो रहा है ना 5 मीटर का, वो इन तीनों सॉइल में कंबाइन करके हो रहा है। क्या हो रहा है, इन तीनों सॉइल में कंबाइन हो रहा है। अगर मुझे यहां तक का हेड लॉस मालूम चल जाए कि यहां पर यहां तक कितना हेड लॉस हो रहा है, तो मैं इस सॉइल को यूज कर लेता, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो हेड लॉस हो रहा है वो कुछ हेड लॉस पहली सॉइल में होगा, कुछ हेड लॉस दूसरी सॉइल में होगा और कुछ हेड लॉस तीसरी सॉइल में होगा, ठीक है। इसलिए हम किसी एक सॉइल को कंसीडर यहां पर नहीं कर सकते। बात क्लियर है, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो कि सर यहां पर कितना हेड बचेगा, तो आपको आई मालूम है जैसे, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू के आई ए लगाएंगे जैसे, है ना, के आई ए। तो अब यहां तक मान लीजिए कितना, तो डिस्चार्ज आपको मालूम है, यहां की परमेबिलिटी आपको मालूम है, एरिया आपको मालूम है, तो अब आप लिखेंगे यहां पर क्यू इज इक्वल्स टू के हेड लॉस अपॉन लेंथ इन टू ए। तो अगर मुझे मालूम है कि यहां तक कितना हेड लॉस हो रहा है, तो मुझे क्यू मालूम चल गया, के वन की वैल्यू 2 रख दूंगा, एरिया मुझे मालूम है, लेंथ की वैल्यू कितना रखूंगा 20। तो मुझे यहां तक का हेड लॉस मालूम चल जाएगा, तो यहां पर कितना हेड बचा वो भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहां पर, तो यहां पर क्या है, यहां तक का हेड लॉस तो मुझे मालूम ही है, इनफैक्ट यहां तक, और इसके आगे का हेड लॉस और निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से। अब लेंथ की वैल्यू रखेंगे 30, लेकिन तो यहां पर बचा हुआ हेड मालूम चल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल पढ़ लो फिर डायग्राम देख लेना, पहले सवाल पढ़ लो डेटा लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हेड लॉस होने पर भी डिस्चार्ज इक्वल होगा, कमाल कर रहे हो भाई, एक बात बताओ यार, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? बेटा आप अपना दिमाग लगाओ ना, इधर पानी का लेवल क्या है 15 मीटर, इधर कितना है 10 मीटर, पानी का लेवल इधर से इधर होगा या नहीं होगा? होगा। तो बेटा बताओ, जो पानी इसके अंदर जाएगा पहली सॉइल के अंदर, वही तो दूसरी सॉइल में जाएगा और वही तो तीसरी सॉइल में जाएगा, तो डिस्चार्ज सेम नहीं होगा? एक बात बताइए, आप सब ना सॉइल पढ़ना है तो एफएम जो है वो डिब्बे में बंद करके रख के आए, ऐसा नहीं करना बेटा। मान लीजिए ये वाला जो टैंक है इसमें पानी यहां तक भर हुआ है, और ये वाला टैंक जो है वो पानी इसमें यहां तक भर हुआ है। अब मुझे बताओ, क्या ये हमने एफएम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि पानी किधर से किधर जाएगा, इसमें से यहां जाएगा। अब बेटा जो डिस्चार्ज इसमें जाएगा वही तो यहां जाएगा, और जो डिस्चार्ज यहां जाएगा वो यहां जाएगा, है ना। अब हेड लॉस क्या होगा, कुछ हेड लॉस इसमें होगा, वो क्या होगा, एफ एल वन वी वन स्क्वायर अपॉन 2gd डी वन प्लस, इसमें कितने का हेड लॉस होगा, एफ एल टू वी टू स्क्वायर अपॉन 2gd टू प्लस, इसमें कुछ हेड लॉस होगा वो कितना होगा, एफ एल थ्री वी थ्री स्क्वायर अपॉन 2gd3। और ये हेड लॉस कितने के बराबर होगा, ये जो हेड लॉस है वो अगर यहां पर ये वैल्यू में एच ले लूं तो इसको किसके बराबर रख देंगे, एच के बराबर। यही तो करते थे बालक। अब लेकिन हम लोग ये, अब अगर हमें डिस्चार्ज निकालना होता था सीधे, तो हम लोग क्या करते थे, एच बराबर एफ एल वन क्यू स्क्वायर अपॉन 12.5, 12.5 भी होता था ना, 12.5 डी वन की पावर 5 प्लस एफ एल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 12.5 डी टू की पावर 5 प्लस एफ एल थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन 12.5 डी थ्री स्क्वायर डी थ्री की पावर 5।
ठीक है, तो वी वन वी टू वी थ्री को क्या कर दिया, क्यू की टर्म में लिख दिया, तो डी वन की जगह डी वन की पावर फाइव। तो ये तीनों हेड लॉसेस को हमने ऐड कर देना, कुछ हेड लॉस यहाँ तक होगा, कुछ यहाँ तक होगा, कुछ यहाँ तक होगा, लेकिन डिस्चार्ज तीनों में सेम होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज निकाल सकते थे। आगे बात समझ में? अभी भी समस्या है किसी को? तो एफ एम जो है बिल्कुल भुलाइए मत यार, ये सब चीजें हमने इतनी पढ़ी हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सवाल इजी है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट सही से लगाना है बस। देखो गेट के क्वेश्चन में क्या होता है ना, एकदम से जंप नहीं करना होता, पहले प्रॉब्लम को समझना होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम को समझें और फिर सॉल्व करें तो जरूर सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर डायग्राम दिखाता हूँ और गिवन डेटा लिख लेना। आपसे ही पढ़िए, एफएम कैसे भूल सकते हैं सर, अरे भूल गए हो ना तभी तो, नहीं तो सवाल में फिर तो कुछ था ही नहीं, ये डाउट इस तरीके के आने ही नहीं चाहिए बच्चे, है ना। सब हमने पाइप फ्लो में देखो, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, क्या क्या नहीं पढ़ा यार, मुझे तो ये खुद यकीन नहीं होता मैंने ए जे वाले बैचेस में आप लोगों का सब इतना कुछ, जितना ज़्यादा पढ़ा दिया है वहाँ पर ना, कि किसी को इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वेट कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना आप हर एग्जाम की तैयारी उन लेक्चर से कर सकते हो, हर एग्जाम की तैयारी। अब देखिए सवाल ये कह रहा है, अ सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो गामा सैचुरेटेड हमें दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डब्ल्यू दे रखा है 9.81, नहीं भी देते तो मालूम था। कह रहा था इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एक्सप्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लेन एक्स एक्स। तो भैया ये कंडीशन आपको दे रखी है फ्लो कंडीशन, यहां पर ये वाला जो प्लेन है, यहां इस प्लेन पर हमसे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछी है, सिविल का वफ दिया है सर ने। जादू भैया क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा ये? जल्दी आंसर कीजिए, कितने क्वेश्चन कर पाते हैं देखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अब जो सीपेज हो रही है वो क्या हो रही है डाउनवर्ड, क्योंकि यहां पर हेड ज्यादा है और यहां हेड लो है, जो सीपेज होगी वो आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड सीपेज में आपको मालूम है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिग्मा बार क्या हो जाएगा आपके पास, गामा सबमर्ज इंटू जेड और प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू, यही तो होगी, यही तो होगी। अब आई निकाल लीजिए, तो हेड लॉस कितने का हो रहा है, 3 मीटर का, 3 मीटर का हेड लॉस हो रहा है, और कितनी लेंथ में हो रहा है, तो 5 + 1 = 6 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है वो तो कितनी है, 6 मीटर है ना, तो 3/6। अब तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो बेटा सिग्मा बार इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज कितना हो जाएगा, 18, तो 18 -9.81, 18 -9.81 गामा समर्स इंटू जेड, जेड कितना हो गया आपके पास, 5 मीटर। 5 क्यों, क्योंकि ये वाली हाइट तो 5 है ना यहाँ पर, इसके जो ऊपर ऊपर की सॉइल होगी ये वाली, इसी की वजह से, तो 5 मीटर। प्लस आई, आई कितना, 3/6, जेड कितना, 5 ही हो जाएगा, और गामा डब्ल्यू कितना, 9.81। सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आएगा आपके पास 65.475,
65.475 ये आएगा, क्लियर है। अब इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका देखिए, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होता है बेटा, सिग्मा बार बराबर होता है सिग्मा माइनस यू के, सिग्मा माइनस यू के। तो देखिएगा इसी सवाल में जो दूसरा तरीका है इसको करने का, जिस तरह से बुक में सॉल्व हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो टोटल स्ट्रेस होगी, जो टोटल स्ट्रेस होगी वो होगी गामा सैचुरेटेड और इंटू फाइव, और जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच क्या होगा कि अगर मैं यहां पर एक पीजोमीटर लगाऊं तो उसमें पानी कहां तक चढ़ेगा, उसमें पानी कहां तक चढ़ेगा ये मुझे मालूम होना चाहिए, यानी कि इसमें वाटर का लेवल क्या होगा, वो एच होता है। वो कैसे मालूम चलेगा कि जब मैंने यहां पर पीजोमीटर लगाया तो पानी यहां से कितनी हाइट पर जा रहा है, टोटल 4 मीटर पर, और जब मैंने यहां पीजोमीटर लगाया तो कहां तक जा रहा है, केवल 1 मीटर तक जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो आई है आपका, जो हेड लॉस हो रहा है वो हो रहा है 3 का, और कितने में, 6 मीटर में, यानी कि हाफ। तो ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है हेड लॉस पर मीटर, हेड लॉस पर मीटर ये रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताओ जब वाटर यहां से ये 5 मीटर तक चलेगा तो कितना हेड लॉस होगा, तो इस सॉइल के अंदर जो हेड लॉस होगा कितने, 5 मीटर के अंदर, वो होगा हाफ इंटू फाइव इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर का, कितने का, 2.5 मीटर का। अब ध्यान दीजिएगा जो फ्लो हो रहा था वो कितने हेड की वजह से हो रहा था, 3 मीटर की वजह से। फ्लो कितने हेड की वजह से हो रहा था, 3 मीटर की वजह से। उस 3 मीटर में से ये 2.5 चला गया, ठीक है भाई, 2.5 चला गया, तो बचा कितना, अवेलेबल कितना है, 0.5 मीटर, अवेलेबल कितना है, 0.5 मीटर। तो यहां पर जो एच बचा आपका वो 0.5 मीटर बचा, एक सेकेंड, पहले वाले तरीके से आपको आंसर समझ में आ गया ना, चलो। तो अब जो पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.81 इंटू 0.5, कितना रहेगा, 9.81 इंटू 0.5, क्योंकि 3 मीटर का हेड था, 2.5 का लॉस हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब जरा आप क्या कीजिएगा, यहां से अब कैलकुलेट कीजिए सिग्मा बार इज इक्वल्स टू, सिग्मा माइनस यू से, तो ये कितना है हमारे पास, 18, आंसर नहीं आ रहा, लेकिन इससे
अच्छा अगर हम लोग यहाँ से देखें कि टोटल हाइट कितनी है, 5, तो उससे तो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा फिर। पहले वाले ठीक, मतलब ठीक तो वही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या। पहले वाले से आंसर तो तुरंत तुरंत आ जाएगा। ठीक है चलो मैं इसको देखता हूँ पहले, ठीक है इस तरीके से कैसे करेंगे। फिलहाल आपको वो तो बता ही दिया, ठीक है चलो आप अगला क्वेश्चन करो, तब तक मैं इसको सोचता हूँ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, ठीक है मैं इसमें देखता हूँ जरा क्या गड़बड़ हो रही है। चलो पहले से या फिर एंड में करेंगे उसको, ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं। द फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड फॉर अ डैम इज शोन इन द फिगर बिलो, टेकिंग कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी एस के। आपको दे रखा है 3.8 × 10^-6 मीटर पर सेकेंड। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर द डैम पर मीटर। तो आपसे जो डिस्चार्ज पूछा है, अगेन याद रखना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर पूछा है, और आपको डैम ये दिया हुआ है। ठीक है तो मैं जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है उसको अगले पेज पर पहुँचा देता हूँ कि के आपको दे रखा है 3.8 × 10^-6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ठीक है भाई, तो के की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे डिस्चार्ज पूछा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में, इसको कीजिए फटाफट। अभिषेक वर्मा मैं आपका देख रहा हूँ, आई तक तो सही है, बट फिर आपने जो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लिखा है ना, गामा सेचुरेटेड इंटू 5 + γW × 4 - U, ठीक है इससे आपका आंसर तो आ रहा है। बस इसमें यही सोचना है कि आपने γW × 4 क्यों ऐड किया है, ठीक है क्यों ऐड किया है, क्योंकि हम लोग जब सिग्मा बार लगते हैं तो σ − U लिखते हैं। तो जब हम लोग σ − U लिखेंगे तो सिग्मा टोटल स्ट्रेस हमने निकाल लिया, फिर यू क्या होता है कि पीजोमीटर में जहां तक पानी चढ़ रहा है यानी कि जो बचा हुआ हेड है वहां तक, ठीक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही एक थोड़ा सा वहां पर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं क्लियर कर देंगे उसको। ठीक है फिलहाल करना तो आपने वैसे ही है जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये जो दूसरा तरीका है वो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो जो तरीका है वो वही है जैसा मैंने आपको बताया सॉल्व करने का, फिलहाल वैसे ही कीजिए। ठीक है अच्छा ठीक है हो गया, 4γW जो ऐड करेंगे, बिल्कुल सही हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है ठीक, तो एक्स वहां पर अभी चलो डिस्कस कर देंगे बाद में। एक्स एक्स पर एक्चुअल में हम जो स्ट्रेस लिख रहे थे टोटल, तो टोटल स्ट्रेस में क्या होगा, सॉइल की वजह से भी प्रेशर लिखा जाएगा, वाटर की वजह से भी लिखा जाएगा, टोटल आएगा फिर उसमें से पोर वाटर प्रेशर, लेकिन बात तो वही हो जाएगी ना, जो γW × 4 हम ऐड कर रहे हैं वही फिर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। बेटा राजस्थान जेई के लिए बताएंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है तो यहां पर देख लीजिए पहले, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या लगेगा, Q इज इक्वल्स टू के एच एन एफ अपॉन एन डी ही लगेगा। ठीक है अब देखो बेटा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल क्या होंगे, पहला फ्लो चैनल ये बनेगा,
दूसरा फिलो चैनल ये बनेगा और तीसरा फिलो चैनल ये बनेगा, ठीक है। तो फिलो चैनल आपके कितने रहेंगे, थ्री वे रहेंगे क्या? फिलो चैनल कितने रहेंगे आपके पास, थ्री वे रहेंगे, नंबर ऑफ फिलो चैनल रहेंगे थ्री। अब देखिएगा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने बनेंगे, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो आपको मालूम है जब पानी यहां पर स्टैटिक होता है तो हर जगह पर प्रेशर सेम होता है, तो यहां पर ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, यहां से यहां तक एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और दसवां, क्योंकि ये भी क्या है, ग्राउंड लेवल है, देखो यहां तक, ये अलग बात है वाटर टेबल यहां पर ग्राउंड पर ही है, अगर इसके ऊपर वाटर होता तो काउंट नहीं करते, बट इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये ग्राउंड लेवल पर आकर 11। तो 11 माइनस 1 कर दीजिएगा 10। तो NF आपको मालूम है, ND आपको मालूम है, हेड लॉस कितने का हो रहा है, इधर कितना है 6.3 मीटर और इधर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर ही है, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, H आपका हो जाएगा 6.3 मीटर का, 6.3 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। K आपको दिया हुआ है, ठीक है, बस याद रखिएगा यूनिट जो भी आपका आंसर आए उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। तो दो स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, शिवम एंड सुनील, बाकी लोग भी आंसर करें, यही आंसर है वैसे 7.183 या 182, एक ही बात है, 7.182 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, केवल वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। हो गया सभी का, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। वॉटर इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट थ्रू अ होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ, ठीक है। वॉटर इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट थ्रू अ होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ। द स्ट्रिप इज सब्जेक्ट बींग सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट वाटर हेड ऑफ 5 मीटर एट द बिगिनिंग एंड 1 मीटर एट द एंड। इफ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फ्लो इज d2h अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, x इज डिस्टेंस अलोंग द सॉइल स्ट्रिप, वैल्यू ऑफ h इन मीटर एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिप इज। तो कह रहे हैं आपके पास ये 10 मीटर लॉन्ग, ये क्या है, ये 10 मीटर लॉन्ग एक सॉइल स्ट्रिप है, यानी कि इसके अंदर क्या है, सॉइल भरी हुई है, इस सॉइल जो है वो भरी हुई है। अब कह रहा है सॉइल की जो ये जो एंट्रेंस है यहां पर पानी भरा हुआ है कुछ, तो द स्ट्रिप इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट वाटर हेड ऑफ 5 मीटर एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो इसके सेंटर से मान लो यार कि आपका इधर जो है ये 5 मीटर है एंड 1 मीटर एट द एंड, और इस साइड में जो वाटर का लेवल है वो इसके सेंटर से मान लो कहां पर है आपका, 1 मीटर पर है, यानी कि दोनों साइड में जो वाटर का जो हेड है वो 4 मीटर का डिफरेंस है,
इस 4 मीटर के हेड डिफरेंस की वजह से इसमें क्या होगा, सीपेज होगी। अब ये कह रहा है कि यहां से किसी भी डिस्टेंस एक्स पर जो हेड लॉस होता है वो इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को फॉलो करता है। लाप्लास इक्वेशन आपको मालूम होगी, कल भी बताई थी। तो ये वन डायमेंशनल फ्लो है, तो डी टू एच बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ एच इन मीटर एट द मिडल ऑफ द स्ट्रिप, यानी कि मिडल ऑफ द स्ट्रिप का मतलब हो गया कि अगर ये टोटल 10 मीटर है तो यहां बीचों बीच, यानी कि यहां से 5 मीटर पर इस लोकेशन पर मुझे हेड बताना है कितना है। कितनों का आंसर आया, ठीक है, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। एक्स इक्वल टू 0 पर एच 5 है, एक्स इक्वल टू 10 पर एच 1 है। बहुत बढ़िया। अब यार देखो, ये दिखने में सवाल लगेगा मुश्किल, लेकिन है मुश्किल कुछ भी नहीं। सोम में हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ रखा है, और जाने कितनी बार हमने ये इंटीग्रेशन किया है यार। डी टू एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर हमें दे रखा है, ठीक है, डी टू एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर दे रखा है, इसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी एच बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, के, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन के होता है। इसे दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी मिलेगा। अब यहां पर दो कॉन्स्टेंट है, एक तो के और दूसरा सी, ये किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अब आपको मालूम है एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। एट एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 पर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। और जब मैं 1 लिखूंगा तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 10 और प्लस ये सी की वैल्यू रख दो 5, तो के की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 4/10 माइनस का, ठीक है। अब आपको निकालना कहां पर है, 5 पर, तो h 5 निकालना है, तो ये रहेगा x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5k, ठीक है, तो 5k, तो 5 इंटू माइनस का 4/10 और प्लस कितना c, ये वैल्यू 5 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लो, 1 माइनस 4/10, तो 5 इंटू 6/10 कितना रहेगा, 3 मीटर, 3 मीटर। दूसरा क्या है कि भैया लाइन की इक्वेशन मिल रही है हमें, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अगर हम ग्राफ के तरीके से सोचे तो हम ये देख रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही है कि ये वाली वैल्यू, अगर ये मैं 10 मीटर लेके चलता हूँ, 10 मीटर, तो 10 मीटर पर वैल्यू 1 है और एक्स इक्वल टू 0 पर कितना है, 5। एक्स इक्वल टू 0 पर कितना है वैल्यू, ये 5, तो ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू आपके पास 1 है। यहां से एक लाइन खींच दो, यहां से एक लाइन खींच दो, तो अगर यहां पर ये 5 हो गया तो मिडिल में पूछा ना, मिडिल में बिल्कुल बीचों बीच देखो, तो बेटा ये वैल्यू कितनी बची, ये वैल्यू बची आपके पास 4 मीटर, ये वैल्यू कितनी बची, 4 मीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना है, ये है आपके पास 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, वहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 इक्वेशन सॉल्व करो, हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप ये सारी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, केवल ये देखोगे किसकी इक्वेशन आ रही है, लाइन की इक्वेशन आ रही है, तो उस लाइन को प्लॉट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू 5, एक्स इक्वल टू 10 पर वैल्यू 1, ये लाइन खींच दी, तो 5 में से 1 गया तो ये 4 बचा, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर 4 है तो आधे में जाकर कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। अब ये 2 है और ये डिस्टेंस तो हर जगह पर क्या है, सेम है, 1, तो 2 + 1 = 3, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई समस्या किसी को, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। लाप्लास इक्वेशन फॉर वाटर फ्लो इन सॉइल्स गिवन बिलो। लाप्लास इक्वेशन दे रखी है, हेड एच डज नॉट वेरी इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। वाई और जेड डायरेक्शन में हेड वेरी नहीं करता, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, कांस्टेंट है ना। बाउंड्री कंडीशन आर एट एक्स इक्वल टू जीरो एच इज इक्वल्स टू फाइव एंड डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एच एच एट एक्स इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, चलिए ज्योतिका जी, अभी बिल्कुल थोड़ा सा समय की, थोड़ा सा मैं कहीं और कुछ चीजों में बिजी हूं, नहीं तो मैं अब तक मैथ्स स्टार्ट कर चुका होता। बट मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है, कि मैथ्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैराथन वगैरह मैं सोच रहा हूँ कई दिनों से कि कुछ मैथ्स के लिए किया जाए, चाहे मैराथन क्लास लाई जाए या कुछ किया जाए। थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे मैथ्स के लिए भी कुछ करने का। तो भैया यहाँ पर भी अगेन क्या है, सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है। तो देखो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को इसीलिए बोला जाता है, सेम कॉन्सेप्ट पर आपको बैक टू बैक क्वेश्चन मिले। ये पूछा था 2013 में और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 2014 में। तो कोई अगर 2013 का पेपर सॉल्व करके गया है तो 2014 में बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा। और कल जैसे मैंने आपसे कहा था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर एक तरह का सवाल हमने पहले देख रखा होता है तो एग्जाम में उसे सवाल को हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस थोड़े से क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो बेटा अगेन इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले तो डी एच बाई डी एक्स जो होगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो के आ जाएगा और एच बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर एच की वैल्यू फाइव है। एक्स इक्वल टू जीरो पर एच की वैल्यू फाइव है, इसका मतलब सी की वैल्यू फाइव आ गई, सी की वैल्यू फाइव आ गई। दूसरा क्या कह रहा है कि और एक्स इक्वल टू जीरो पर ही डी एच बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो डी एच बाई डी एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, माइनस वन, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन हो गई। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस वन आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1.2 पर एच की वैल्यू, तो एच इज इक्वल्स टू के कितना, माइनस वन इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 1.2 और प्लस सी की वैल्यू कितनी 5। तो 5 में से 1.2 गया तो आंसर कितना देगा, 3.8। आंसर क्या देगा, 3.8। ठीक है, 3.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल पढ़ लो, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है तो ठीक है। तो इस पे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो मैथ्स वाले मेरे लेक्चर फिर आप एग्जाम्पल पर ही फिलहाल वो लोग वो लेक्चर देखो, वहां से थ्योरी वगैरह कवर करो हम जितनी हो सकती है, फिर देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है द फिलो नेट अराउंड अ सीट पाइल वॉल इज शोन इन द स्केच, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर, परमेबिलिटी आपको दे रखी है के, के की वैल्यू आपको दे रखी है 0.09 मीटर पर डे, के गिवन है आपको, ठीक है, यानी कि के आपको गिवन है, ये रहा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी आपको गिवन है, ये रहा। वॉइड रेशियो आपको गिवन है, ये रहा। द सीट पाइल वॉल एंड द बॉटम ऑफ द सॉइल आर इम्परमीबल, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब पहले पूछा आपसे द सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर लेंथ, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए रहे। तो पहला सवाल तो आप फटाफट यहीं से कर दो, इतने मैं वैल्यूज लिख देता हूं। के की वैल्यू जो दी है आपको दी है 0.09,
मीटर पर डे। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.70, वॉइड रेशो दे रखा है 0.85। इवन ये सवाल है, ऐसा ही सवाल देखते ही, गिवन डेटा देखते ही हमारे दिमाग में खटक जाना चाहिए कि अगली चीज़ क्या पूछी होगी। अगली चीज़ मोस्ट प्रोबेबली या तो एग्जिट ग्रेडियंट पूछा होगा, बल्कि एग्जिट ग्रेडियंट भी नहीं पूछा होगा, ये दिया हुआ है, इसका हमसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही पूछा होगा अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट में हमसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही पूछा होगा, ठीक है। बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। तो अब देखो, फ्लो चैनल, पहला फ्लो चैनल, दूसरा फ्लो चैनल, तीसरा फ्लो चैनल और चौथा फ्लो चैनल, तो चार आपके पास फ्लो चैनल हो गए। याद रखिएगा, जो स्ट्रीम लाइन होती है ये एक स्ट्रीम लाइन होती है बाउंड्री ये वाली, और ये जो बॉटम बाउंड्री होती है ये भी स्ट्रीम लाइन होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में से एक गया 4, तो यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। तो फ्लो चैनल कितने हो गए आपके पास, एन एफ इजिकल्स टू हो गया 4। अब देखो, ये क्यू पोटेंशियल लाइन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो होंगे वो रहेंगे 8। देखो यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और यहां तक 8। इसके ऊपर इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तो जितना प्रेशर यहाँ, टोटल एनर्जी जितनी हर जगह सेम होती है, डेटम और प्रेशर एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, आपको मालूम है। अब तो केवल फॉर्मूला लगाना है, और हेड लॉस कितने का हो रहा है, इधर 10 का उधर 1.5, तो हेड लॉस जो हो रहा है ये वैल्यू आपके पास कितनी की 8.5, 8.5 मीटर का हेड लॉस हो रहा है। तो आंसर आ गया आप लोगों का, कितना आ रहा है, 0.38 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, वेरी गुड, 0.38 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो अगला पार्ट पूछा है आपने, आपसे वो यही पूछा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे पूछ रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैं सारा डेटा दोबारा से यहां पे लिख देता हूं, जो जी की वैल्यू दे रखी थी वो आपको 2.7 दे रखी थी, वॉइड रेशो 0.85 दे रखा था, जो हेड लॉस है वो 10 माइनस 1.5 इजिकल्स टू 8.5 का है, ठीक है। और डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट जो लेंथ दे रखी है हमको वो 3 मीटर है, यानी कि लास्ट ड्रॉप के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 3 मीटर। यहां से यहां तक जाएंगे तो सबसे क्लोज में कितना चलना पड़ेगा, 3 मीटर। तो जो बी जो दे रखा है आपको एग्जिट पर, वो आपको दे रखा है 3 मीटर, ठीक है भाई, 3 मीटर। फ्लो चैनल कितने थे, 4। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने थे, 8 थे क्या, 8, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दीजिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका 2.6, वेरी गुड, 2.6 ही आपका आंसर है। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट। आई क्रिटिकल तो आप निकाल देंगे किससे, जी माइनस वन अपॉन 1+E से। आई एग्जिट कैसे होगा बेटा, आई एग्जिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि लास्ट वाले में, लास्ट ड्रॉप में कितना ड्रॉप करना पड़ा, तो ये जितने भी ड्रॉप होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हेड लॉस कितने का है, 8.5 का। अब ये 8.5 का जो हेड लॉस हो रहा है वो 8 ड्रॉप्स में हो रहा है, तो 1 में कितने का होगा, 8 अपॉन 8.5 का। हम कहेंगे 8 में कितने का ड्रॉप हो रहा है, 8.5 का, तो 1 में कितने का होगा, 8.5 अपॉन 8 का, तो 8.5 अपॉन 8। और ये कितनी लेंथ में हो रहा है, 3 मीटर में हो रहा है, कितने में हो रहा है, 3 मीटर में, तो 1/3। अब सारी वैल्यूज रखनी है आपने, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर रहेगा आपके पास 2.6, 2.6, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसको कल डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है, हालांकि अभी भी हो जाएगा ये, बट इसको कल डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और बताना है आपको कल, जो अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, उस कॉन्सेप्ट को और बढ़िया करके बताएंगे फिर। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज टू फ्लो लाइन्स फॉर सी पेस अक्रॉस एन इंटरफेस बिटवीन टू सॉइल्स मीडिया ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ परमेबिलिटी। क्या हो रहा है कि यहां पर एक इस तरह से इंक्लाइन इंटरफेस है, इस तरह से इंक्लाइन, इसको आप ऐसे समझो कि ऐसा हो सकता था कि एक ये वर्टिकल लाइन थी। अब इस वर्टिकल लाइन के एक तरफ तो जो है वो क्ले है और दूसरी तरफ जो है वो सैंड है, तो इधर का के अलग होता और इधर का के अलग होता, ऐसा भी हो सकता था। या ऐसा भी हो सकता था कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती, इसके ऊपर मान लीजिए किले होती और इसके ऊपर सैंड होती। तो जनरली हमने ये दो ही केसेस पढ़े थे अब तक, या तो हमने वर्टिकल देखा था या फिर हॉरिजॉन्टल देखा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनक्लाइंड एक लाइन है, इस लाइन के इधर जो है वो मान लो सैंड है और इधर जो है वो मान लो किले है। इधर मान लो क्या है, किले है, ठीक है भाई। हाँ तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। तो ऐसा जब इंक्लाइन इंटरफेस होती है, तो इंक्लाइन इंटरफेस में इधर से वाटर मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, ये सीपेज लाइन है, इस तरह से सीपेज हो रही है और फिर इसमें क्या होता है इधर। तो आपको याद आ रहा है क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एक मीडियम से स्नेल्स लॉ होता था ना, एक ही मीडियम है इंटरफेस, यहाँ पर कोई लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती है, हाँ रिफ्रैक्ट होती थी, रिफ्रैक्शन, तो ये मीडियम में इधर कुछ इस तरीके से मुड़ जाती थी। तो ये नॉर्मल होता था, नॉर्मल से एंगल आई बनता था और यहाँ से एंगल आर बनता था, याद आ रहा है। तो कुछ कुछ वैसा ही है, ये क्या है आपका, ये इंटरफेस है दो मीडियम का और ये क्या है नॉर्मल। तो ये वाली जो सीपेज लाइन है वो नॉर्मल से अल्फा वन एंगल बना रही है और ये दूसरी लाइन जो है वो नॉर्मल से अल्फा टू बना रही है। तो याद रखिएगा जो अल्फा वन अल्फा टू होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, जो इंटरफेस है उसका जो परपेंडिकुलर होता है वहां से एंगल होते हैं, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में होते थे, ठीक। अब यहां पर ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा कि जो के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेन अल्फा के, ठीक है। रेयर डेंसर मीडियम कौन सा, बिल्कुल सही बात। तो बस के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेन अल्फा के, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा के वन अपॉन के टू इज इक्वल्स टू टेन अल्फा वन अपॉन टेन अल्फा टू। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आपने याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन हालांकि बुक्स में दिया हुआ है, आप कर सकते हैं, बट नो नीड, नो नीड, ठीक है। तो आप के वन अपॉन के टू इज इक्वल्स टू टेन अल्फा वन अपॉन टेन अल्फा टू कर देंगे तो यहां से आपके पास, ठीक है, के वन दिया है, टेन अल्फा वन दिया है, टेन अल्फा टू दिया है। क्या पूछा आपसे, सवाल तो देख लें दोबारा सही से। हाँ, आपसे K1 K2 दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया है और अल्फा 2 पूछा है, ठीक है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर लें, केवल वैल्यूज पुट करनी है आपने। K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया हुआ है, अल्फा 2 आपसे आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक आज का लास्ट क्वेश्चन ये और कर दीजिए फटाफट। जल्दी से इस क्वेश्चन को और कर डालिए। अब हम लोग मिलेंगे 9:30 पर सॉइल मैकेनिक्स के ही और कन्वेंशनल क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। कन्वेंशनल में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के, स्पेशली वो जिनमें कैपिलरी राइज होता है, ठीक है, कैपिलरी राइज वाला। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, तो 9:30 पर हम लोग मिलेंगे, तब तक ये क्वेश्चन कीजिए आप। कह रहा है द कोफिशिएंट्स ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो के एक्स आपको दे रखा है 3.46 और के वाई आपको दे रखा है 1.5 मीटर पर डे, मीटर पर डे। द बेस लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डैम, बेस लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डैम रेस्टिंग इन दिस सॉइल इज 100 मीटर। तो बी आपको दे रखा है 100 मीटर। When the fillow net is developed for this soil with 1:25 scale factor in vertical direction, तो 1:25 का जो scale factor है वो vertical direction में, यानी कि अगर इसकी height 25 meter है तो उसको हमने कागज पर क्या दिखा रखा होगा, 1 meter दिखा रखा होगा, 25 meter को 1 meter,
वर्टिकल डायरेक्शन, द रिड्यूस्ड बेस लेंथ ऑफ द डैम विल बी, रिड्यूस्ड बेस लेंथ ऑफ द डैम विल बी, तो डैम की रिड्यूस्ड लेंथ आपसे पूछ रखी है, बताइए भैया कितना आंसर आएगा। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि इस लेंथ को जब हम लोग रिड्यूस करते थे तो जो रिड्यूस्ड लेंथ होती थी, रिड्यूस तो किसको रिड्यूस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को। तब जब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में के वाई अपॉन के एक्स से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के वाई अपॉन के एक्स से। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू अंडर रूट में के वाई कितना दे रखा है 1.5 और के एक्स कितना दे रखा है 3.46। ये वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आ रही है, यह आएगा 65.843 मीटर यह आएगा, ठीक है। आप लोग आंसर जिस तरह से दे रहे हो ना तो मुझे आपका गड़बड़ लग रहा है, शिवम ज्योतिका जी ऐसा लग रहा है कि भाई पहले से करे कराए क्वेश्चन ना उस टाइम, अभी थम जाइए। आंसर आपका क्या होगा बेटा 65.843। अब आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं थे ना भैया, तो ऑप्शन में 65.83 आ ही नहीं रहा। तो एक्चुअली इस सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक ये थी कि ये जो स्केल है वो वर्टिकल डायरेक्शन का नहीं है, दिस स्केल शुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि 25 मीटर को 1 मीटर बना रखा है तो 65 को कितना कर रखा होगा, तो 65.83 अपॉन 25 करूंगा तो कितना आएगा, अपॉन 25 करूंगा तो आएगा 2.633 यानी कि 2.63। अब 2.63 ऑप्शन में है तो 2.63 आपका जो आंसर आया ये वर्टिकल स्केल जो दे रखा है उसको फॉलो करते हुए आया, लेकिन हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर जो स्केल आपको दिया होना चाहिए था वो वर्टिकल में ना देकर हॉरिजॉन्टल में दिया होना था, तभी आपका आंसर जो है वो ये आना चाहिए था, ठीक है, तभी आपका ये आंसर आना चाहिए था। रट के बैठ गए हैं ये लोग, हाँ तो बेटा रटना ही पड़ता है आपको, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रटना ही पड़ेगा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ आपको, यही होना चाहिए, पहली बार में सवाल ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अगली बार सवाल आप देखो तो फिर आपसे सवाल बचना भी नहीं चाहिए। गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई भी एग्जाम क्रैक करने का अपने यहाँ यही एक तरीका है। मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप एक आइडियल स्टूडेंट बनो, नया सवाल आप छोड़ दो, बच्चे तो छोड़ दो, अभी आपने देखा था यूपीपीएससी एई की आंसर की आई थी, यूपीपीएससी एई की आंसर की आई थी, जो इंडिया के जो नंबर वन एंड नंबर टू, जहां से सारे दुनिया भर के टॉपर जहां से निकलते हैं, आप उनकी आंसर की उठाकर देख लो, दोनों की आंसर की सेम नहीं है, एक का आंसर कोई कुछ बता रहा है दूसरे का आंसर कुछ और बता। बेटा नए क्वेश्चन में कोई भी फंस सकता है, नए क्वेश्चन में ऐसे ऐसे महारथी जो 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं ना, उनके आंसर मैच नहीं होते, वो भी गलती कर जाते हैं। तो नया क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन देखा हुआ क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, यही अपने यहां पर गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की गारंटी है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप कर लें, यही एक तरीका है सक्सेस का, मैं आपको बता रहा हूं। कतई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं बनना है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना है, आपने चालाक स्टूडेंट बनना है। चालाक स्टूडेंट क्या बनता है, कौन होता है, जो सवाल देख कर जाता है, ये कॉलेज में भी यही चलता है, लास्ट टाइम पे बच्चे 10-20-50 सवाल देख लेते हैं इधर उधर के और उन्हीं को एग्जाम में छा पाते हैं, यही होता है अपने हर एग्जाम में, हर एग्जाम में यही होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 2+2=4 है तो बेटा 2+2=4 ही होगा ना, अब इसकी आंसर की कोई भी दे, तो अगर वो लोग इसकी आंसर की में अगर डिफरेंस आ रहा है, और ये हमेशा होता है, किसी एक एग्जाम में नहीं होता, आप गेट एग्जाम आएगा, गेट के बाद आप आंसर की चेक कर लेना, गारंटेड आपको अलग मिलेगी, आप ईएससी के बाद देख लेना आंसर की गलत मिलेगी अलग मिलेगी, तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है, समझ रहे हैं बात को। तो वो बहुत नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बात है, नए क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत हो सकती है, और जब
धुरंधरों को दिक्कत हो सकती है, तो आप तो बच्चे हैं, तो आप जितनी जल्दी अपने माइंड में ये बैठा लो कि नया क्वेश्चन हमसे ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सवाल हमने पहले से देख रखे हैं वो एग्जाम में सही बनने चाहिए और उनमें एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही है असली कुंजी। कुंजी बोलते थे, कुंजी यानी कि की, जिसको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है वो उतनी जल्दी कॉम्पिटिशन में कामयाब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, ये जिस स्टूडेंट को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए याद रखना, मैंने आज तक कभी आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं किया क्वेश्चंस के लिए अलग से। ये जितने भी ब्रांडेड बुक्स है ना, मैं कोई बुक आपको नहीं बताता। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, यूथ की बुक्स ले लो, क्यों, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितनी बार आप उन क्वेश्चंस को करोगे एग्जाम में, देखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपके नाम के आगे एई और जेई लिखना उतना ही क्या होता जाएगा, श्योर होता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कब, 9:30 पर। ठीक है, थैंक यू। अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए, कल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कल हालांकि खत्म हो जाएगा, दो चार ही क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी एईजेई वाले क्वेश्चन भैया खुद से भी करते रहना, वो तो इजी इजी रहते ही हैं, इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं।